हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन होती क्या है, कंसंट्रेशन टर्म कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग कितने टाइप के पढ़ लेते ना, वो वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर मोलैरिटी से। इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? अब हम लोग पहले समझते हैं कि मोलैरिटी होती क्या है। तो अब ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी होती क्या है। तो सपोज करो इस कंटेनर में क्या है, वाटर रखा हुआ है, क्लियर है। और मैंने क्या किया, इस कंटेनर में क्या डाल दिया, शुगर डाल दी। और कितनी डाल दी मैंने शुगर, 2 मोल्स। समझो बात को, वाटर था, वाटर मैंने क्या किया, 2 मोल शुगर ऐड कर दी, ठीक है। अब देखो शुगर जैसे तुम डालोगे तो यह दो या दो से कम अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर बन जाएगा। तो इसमें एक टर्म सोल्यूट होगा, एक टर्म सॉल्वेंट होगा, पढ़ा था सॉल्यूशन में, क्लियर है। तो इसमें सोल्यूट क्या होगा, तो हम लोगों ने एक पढ़ा था कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, जैसे कि शुगर मतलब चीनी सॉलिड होगी, सॉल्वेंट ये वाटर क्या हो गया तुम्हारा, लिक्विड हो गया। तो दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, ठीक है। तो जो डिजोल्व होता है उसको सोल्यूट बोलेंगे और जिसमें डिजोल्व होता है वो सॉल्वेंट होगा। तो चीनी की टेंडेंसी है डिजोल्व होने की, तो शुगर क्या हो गई, सोल्यूट हो गई। अब पानी क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है शुगर को यानी चीनी को, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी इसमें शुगर सोल्यूट हो गई और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब शुगर देखो ये सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, सॉल्यूशन। आ रही बात आपको? तो यहां पर 2 मोल शुगर को, 2 मोल शुगर को मैंने पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब मैंने देखा कि मान लो कि सॉल्यूशन जो बन के तैयार हुआ है वो कितना है, 10 लीटर है। तो मैंने मान लिया कि सॉल्यूशन मान लो 10 लीटर बन गया। तो मैंने आपसे पूछा कि 10 लीटर सॉल्यूशन जो बना है उसमें शुगर कितने मोल है, तो आप बोलोगे 2 मोल है। आधी बात समझ में, तो मैं चलो इसको लिखता भी चलता हूं साथ में। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि 10 लीटर जो सॉल्यूशन बना है उसमें शुगर कितनी है, तो आप बोलोगे 2 मोल्स किसके हैं, शुगर के हैं। तो मैंने पूछा अगर 10 लीटर जो सॉल्यूशन बना है उसमें 2 मोल शुगर के हैं, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालो कितने मोल शुगर के, तो कैसे निकालोगे, तो 10 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल शुगर के हैं। तो पूरी मैथ देखो, यहां पे 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लोगे तो कितने मोल होंगे, तो 2 को 10 से डिवाइड कर दो तो इतने मोल होंगे किसके, शुगर के। आ रही बात समझ में? यानी यहां पर देखो क्या आ गया, यहां से जो आ गया 2 मोल्स शुगर है कितने में, 10 लीटर सॉल्यूशन में। समझ में आ रही बात? तो इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। यानी इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, 2/10। आप समझ रहे हो बात को? यानी पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, उस टर्म को बोलते हैं मोलैरिटी। तो 10 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल थे, तो पर लीटर में कितने मोल होंगे, 2/10। तो 2/10 क्या हो गया, मोलैरिटी, ठीक है। तो यहां से देखो डेफिनेशन बन गई मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या, 2 क्या था, मोल्स था, किसके मोल्स थे, सॉल्यूट के। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 2 क्या था, सॉल्यूट के मोल्स थे, 10 लीटर क्या था, वॉल्यूम था, किसका वॉल्यूम था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए, वो भी लीटर में। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट के टोटल मोल्स हैं उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के, उस टर्म को बोलते हैं मोलैरिटी। ये बात आपको याद रखनी है, बेसिक सी यही है, और इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी इसको हम लोग और भी देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। आ रही बात आपको समझ में?
तो पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स होते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। और बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl, यानी NaCl के मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन इतने ml ऑफ इतने ml NaCl सॉल्यूशन। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि NaCl सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। तो NaCl सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि यहां पर NaCl है और प्लस क्या है, वाटर है। क्लियर बात आपको समझ में आ रही है। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब यहां पर क्या है, ग्लूकोज प्लस क्या है, वाटर है। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है मान लो शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, यहां पर क्या है, शुगर है प्लस वाटर है। क्लियर है। तो NaCl सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, NaCl होगा प्लस वाटर होगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि NaCl, ग्लूकोज, शुगर, ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं तीनों, और ये क्या है, लिक्विड है। और सॉलिड की टेंडेंसी होती है डिजॉल्व होने की, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे सॉल्यूट हो जाएंगे। और वाटर की टेंडेंसी होती है डिजॉल्व करने की, क्योंकि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड डिजॉल्व होता है तो सॉलिड सॉल्यूट हो जाएगा, और ये वाटर डिजॉल्व करेगा, यानी यहां पर लिक्विड डिजॉल्व करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है बात आपको यहां तक? तो बच्चों आपको यहां तक बात समझ में आ रही है। तो NaCl सॉल्यूशन मतलब होगा NaCl सॉल्यूट है, वाटर यहां पे क्या, सॉल्वेंट है। तो अब देखो यहां पर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आपको क्या गिवन है, मोलैरिटी पता है और इतने ml ऑफ ये एम NaCl सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड कर दो, यानी मोलैरिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम होता है, वैसे मोल इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो यहां से मोल की वैल्यू निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होगा मोलैरिटी, अगर आपको पता है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है, वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में, तो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे। तो यहां देखो मोलैरिटी गिवन है ये 1.55, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में होना चाहिए, ये देखो ml में दिया हुआ है, तो 600/1000। तो अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। और यही वैल्यू पूछा गया था आपसे कि NaCl के मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। आ रही बात आपको समझ में? तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब क्या देखो पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ इतने ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है आपको, और सॉल्यूशन किसका है, NaCl प्लस कुछ नहीं दिया था आपको, क्या मानना है, वाटर। तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स किसके होने चाहिए, सॉल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का, किसमें होगा, लीटर में। क्लियर है। अब देखो सॉल्यूट के मोल्स कितने दिए हुए हैं, यहां पर सॉल्यूट का देखो मास दिया हुआ है, मोल नहीं पता है, तो मास पता है, मोल कैसे निकालोगे, यहां आपको रखना मोल है और यहां पे मास दिया हुआ है, तो अगर आपको मास दिया हुआ है तो किससे डिवाइड कर दो, NaCl का मास पता है, तो NaCl के मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो NaCl के मोल आ जाएंगे। क्लियर है। मोलर मास कितना होता है, 58.5, कैसे आया, 23 + 35.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, ml में, यानी 650/1000, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, वॉल्यूम लीटर में। यानी अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, मोलैरिटी इक्वल टू आएगा 63 × 1000/650 × 58.5। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी 1.65 आ जाएगी। यानी बच्चों इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करने को बोला गया था और हम लोगों ने मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ हाउ मेनी ग्राम ऑफ COH का होल टू आर नीडेड टू प्रोड्यूस इतने ml ऑफ इतने m COH का होल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मास कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के होते हैं,
सॉल्यूट के, और डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, वो भी किस में होता है, लीटर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मोलैरिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1.66 मोलैरिटी गिवन है, इक्वल टू आपको सॉल्यूट के मोल रखने हैं। अब सॉल्यूट का आपको मास निकालना है, तो मैंने मान लिया कि इसका मास कुछ W ग्राम है, या फिर X ग्राम मान लो, इसका मास कितना है, X ग्राम है, और उसी X की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, या फिर चलो और शॉर्टकट करते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे शॉर्टकट और कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कैसे आएंगे, तो आपको देखो मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, किस में पता है, लीटर में। तो यहाँ से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, तो मोलैरिटी गिवन है यहाँ पर 1.66 गिवन है, और वॉल्यूम लीटर में, तो 500 डिवाइड बाई 1000 ये मोल आ गए। ठीक है, तो ये CuH के होल टू के मोल आ गए, यानी यहाँ से आ गया मोल्स ऑफ CaOH का होल टू इक्वल टू होगा 1.66 इंटू, ये कैंसिल करोगे तो आएगा 1/2। तो मोल्स आ गए, तो मास कैसे आएगा, तो मास इक्वल टू होगा, मोल पता, मास कैसे निकालोगे, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1.66 इंटू 1/2, ये तो ये वैल्यू थी, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास का, इसका मोलर मास कितना होता है, 40 + 34 यानी आएगा 74 इतने ग्राम। क्लियर है, आधी बात आपको समझ में। तो यहाँ आपको मास कैलकुलेट करने को बोला गया था, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने मास कैलकुलेट भी कर लिया। क्लियर है, जैसा कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इज m/30। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम लोगों को, आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो देखो FeCl3 लिखा हुआ है, FeCl3 है, FeCl3 सॉल्यूशन लिखा है, मतलब FeCl3 के साथ क्या है, वाटर है, अभी जस्ट पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, यानी ये वाटर में है। और जैसा कि आपको पता है ये आयनिक कंपाउंड है, जैसे आप पानी में डालोगे ब्रेक हो जाएगा, कैसे ब्रेक होगा, Fe+3 और +3 Cl-। क्लियर है, तो ये इतना कि हम लोग को बेसिक है आता है। तो FeCl3 सॉल्यूशन मतलब होता है FeCl3 + वाटर, पानी में डालते ही ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि अगर आपने इसके एक मोल लिए, तो इसके वन मोल के कितने मोल बनेंगे, वन मोल बनेगा, इसके वन मोल से Cl का कितना मोल बनेगा, 3 मोल्स बनेगा। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो मोलैरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोल्स होता है। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल होता है। यानी मोलैरिटी कैसे कैसे चेंज करेगी, जैसे जैसे मोल्स चेंज करेगा, और मोल्स कैसे चेंज करता है, अगर ये वन मोल है तो वन मोल से वन मोल बनेगा। तो यानी अगर इसकी मोलैरिटी m/30 है, तो ये भी कितना होगा, m/30 होगा। जैसे मोल चेंज करता है वैसे मोलैरिटी चेंज करेगी, क्योंकि मोलैरिटी मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो इसके वन मोल से कितने मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा। ठीक है, तो अब इसका यानी मोलैरिटी अगर m/30 है, देखो ये वन मोलैरिटी है तो 3 मोलैरिटी बनेगा, अगर ये m/30 है तो कितना बनेगा, m/30 × 3, यानी ये वैल्यू सॉल्व करने में कितनी आएगी, m/10, और यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है, आ रही बात आपको समझ में, चलो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी मोलैरिटी क्या होती है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, कितना भी सॉल्यूट को कितने भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिया गया है, अबे यार, तो बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मोलैरिटी के बारे में, तो हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मोलैरिटी क्या होती है। तो जैसा कि पढ़ा हम लोगों ने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो, ठीक है, तो मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपने कितने भी ग्राम सॉल्यूट या कितना भी अमाउंट सॉल्यूट को कितने भी अमाउंट सॉल्वेंट में डाल दिया है, बट आप बस आप ये निकालो कि पर लीटर सॉल्यूशन जब बना है, पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है सॉल्यूट के, तो उस टर्म को मोलैरिटी बोलते हैं। क्लियर है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी जैसा कि पता है सिंपल सा हम लोगों को, मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है, किसमें, पर लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने दिए हैं, 0.289, और कितने लीटर में है,
इतने ml है तो सॉल्यूशन यहाँ पर लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम, तो ml को लीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.4 आएगा, यानी इसकी मोल, इसका आंसर कितना आ गया, 2.4 कैपिटल M, और कैपिटल M ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलैरिटी को। ठीक है, आधी बात आपको समझ में।